हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है, उनको नई नई चीज़ों को सीखने की, समझने की इतनी उत्सुकता होती है, उनकी लर्निंग पावर, उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, सुपर्ब होती है। तो जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि ये क्यों होता है और हम लोगों में जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये कैसे कम होने लगता है। फ्रेंड्स, पता है हमारी बॉडी ना बहुत अमेजिंग है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वाले और बहुत ख़राब वाले भी केमिकल्स निकलते रहते हैं, जो कि मतलब फाउंटेन्स होते हैं केमिकल को सेक्रेट करने का, जिनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो कि बाकी और सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। वो एक हार्मोन भी सेक्रेट करती है जिसका नाम होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या HGH। ये पता है बहुत अमेजिंग हार्मोन होता है ये, मतलब हमारी लंबाई को तो बढ़ाता ही है और हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो उनको एक ऑप्टिमम लेवल तक रखता है। और जो भी ग्रोथ है, रिपेयर का काम है, ये सब में मतलब हमारे सेल्स को लगातार डिवाइड होने की ज़रूरत होती रहती है, तो ये सब काम होता है ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। हमने देखा है अक्सर कि बच्चे इतना खेलते कूदते रहते, इतना हमेशा एनर्जाइज रहते हैं, हमेशा मतलब नई नई चीज़ों को सीखने की का उनको इंटरेस्ट होता है और हर चीज़ जानना चाहते हैं, हर चीज़ सीखना चाहते हैं। उनकी लर्निंग पावर, उनकी मेमोरी पावर, उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये सब होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से, और ये काम करता है हमारे जो बोन के एंड्स होते हैं ना, उनमें एक ग्रोथ जोन होता है, वहाँ पे ये काम करता है। तो वहाँ पे ग्रोथ प्लेट होती है, ग्रोथ जोन होता है, जहाँ पे HGH जाके उसकी कुछ बूंदें पड़ती हैं और सेल डिवीज़न एकदम फटाफट होने लगता है और वहाँ पर ग्रोथ वो करवाता है। तो ये बहुत सारे काम करता है, मैंने जैसे कि बताया कि फैट बर्निंग और ग्रोथ रिपेयर और हैप्पी मूड और मतलब ग्लोई स्किन। देखते हैं बच्चों की स्किन कैसे चमकती रहती है, कितना ग्लो होता है उन पे, तो ये सब काम करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। पता है ये ग्रोथ हार्मोन 18 से 20 साल तक आराम से निकलते रहता है, किसी किसी में थोड़ा देर तक भी निकलता है और उसके बाद ये कम हो जाता है। बट मतलब उसके कम होने से हमारी ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, बंद हो जाती है। बट ये हार्मोन थोड़ा कम हो जाता है, बट हम लोग ना अलग से स्ट्रेस लेके, इतनी लाइफ स्टाइल, इतने मतलब काम का प्रेशर, नींद सही से ना लेना, बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हम इसको बंद कर लेते हैं, जिससे बुढ़ापा बहुत जल्दी से आने लगता है, जिससे हमारा नर्वस हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ कमज़ोर होता है, हमारा मूड ऑफ रहता है, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, हमारा मेमोरी पावर कमज़ोर हो जाता है और हम फैटी हो जाते हैं, क्योंकि ये लिपिडोलाइसिस भी करवाता है ग्रोथ हार्मोन और ये फैट बर्न करवाता है। तो मतलब बहुत ही ये जो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं ना, ग्रोथ हार्मोन के कम होने से होता है। और अगर बाय चांस ये एज के पहले कम हो गया है तो हमारी ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। इस टाइम पे कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ना अलग से इंजेक्ट करवाना, या कोई कोई दवाइयाँ ऐसे मार्केट में आ गई हैं कि लोग बोलते हैं ये दवाई खा लो ग्रोथ हो जाएगी, ये इंजेक्शन ले लो ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें कभी भी बच्चों के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगी। फ्रेंड्स, बाहर से जब हम ग्रोथ हार्मोन लेते हैं तो पहली बात तो ये जो हमारी सेल प्लेट्स होती हैं, ग्रोथ जोन जो होता है, वो तो उनके रिसेप्टर्स बंद हो चुके होते हैं। तो बाहर से आप लोगे और वो रिसीव करने की कंडीशन में नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंस्टेड दैट कि उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ग्रो करने लगे, या फिर इररेगुलर सेल डिवीज़न, मतलब जो हमारा सेल डिवीज़न हो रहा है, सेल्स ग्रो कर रही हैं, संख्या में बढ़ रही हैं, उनका एक पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जब वो कंट्रोल उनका खो जाता है, हम बाहर से कुछ इंजेक्शन या दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो कंट्रोल खो जाता है, तो इररेगुलर सेल डिवीज़न इज़ आल्सो नोन एज कैंसर, तो कैंसर की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात यह है ना कि जब हम बाहर से लेने लगते हैं ग्रोथ हार्मोन तो ये जो बॉडी का प्रॉपर जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी खुद कैपेबल होती है कि वो हमारी बॉडी की सारी नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके, तो जो बॉडी में तैयार हो रहा है उसको हम अलग से लेंगे तो बॉडी
आलसी हो जाएगी, वो ना काम नहीं करेगी, तो मतलब ये बहुत तो खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। अगर हम चाहते हैं कि एजेज हमारी बॉडी में नेचुरली बनते रहे, तो क्योंकि हमारी बॉडी कैपेबल है कि वो बना सकती है, तो हमें कुछ कुछ काम करने होंगे, बहुत कठिन नहीं, इजी इजी से कुछ काम है। पहला तो ये स्ट्रेस ना लें और ना ही दें। आजकल बच्चों में क्या है कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब एजेज वहीं पे बनना कम हो जाता है अगर हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, और अच्छी नींद लेनी है। बोला जाता है ना कि छोटी उम्र के बच्चों को मतलब उनके लिए कितने घंटे ज़रूरी है, तो हमें उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर नींद लेने देने चाहिए। और हम भी, क्योंकि हमारे अंदर भी एजेज की एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन रहना ज़रूरी होता है, तो हमें भी नींद भी ज़रूरी है, और हमें भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसी से एजेस कम होता है, और ये जो स्किन की क्वालिटी होती है ये घटते जाती है, हमारी मेमोरी पावर, विल पावर सब कुछ ख़त्म हो जाती है, तहस नहस हो जाता है, और हम बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, और नींद अच्छी लेनी है, और हाँ, खाना टाइम टाइम पे खाना है, क्योंकि खाना खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होती है, और इंसुलिन जो है एजीएच का एकदम दुश्मन है। तो खाना टाइम टाइम पे खाओ ताकि एचजीएच अपना काम कर सके। और सोने के अगर 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लेते हो, तो प्रॉपर टाइम मिलता है एचजीएच को काम करने के लिए। इसीलिए सोते टाइम पे बोलते हैं ना, बच्चा जितना सोएगा उतना लंबाई बढ़ेगी, उसका ब्रेन उतना डेवलप होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे केस में भी लागू होती हैं। और बेली फैट नहीं बढ़ने देना चाहिए, बेली फैट एचजीएच को कम कर देता है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम जितना इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हमें लगे कि हम थक रहे हैं और फिर हम उस टाइम पे शुरू कर दें, तो वो जो एक्सरसाइज होगी वो एजीएस को बढ़ाने का काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ नेसेसरी पॉइंट्स, इनको हम ध्यान में रखें तो एचजीएच अच्छे से बनता रहेगा हमेशा, और ये जो हमारी बॉडी में फाउंटेन है ना अच्छा अच्छा वाला केमिकल का, वो हमेशा बरकरार रहेगा, और हम बुढ़ापे की तरह थोड़ा देर से जाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि मेरे वीडियोज़ डिपेंड होते हैं पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बातों पर, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, या फिर इमोशनल हो। तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।